Hello everyone, welcome to Vijay Singh classes. Myself Simran and आज हम पढ़ेंगे हमारे respiratory tract का passage. ठीक है, कल बेटा हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि भाई breathing क्या होता है, respiration क्या होता है. आज हम इसको ही आगे बढ़ाएंगे. हमने वो passage ही पढ़ा था, आपको याद है ना कि सबसे पहले क्या आता है, फिर मतलब पैसेज में जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था कि माउथ है, बकल कैविटी है, फिर ईसोफेगस है और फिर बाकी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक की सारी चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पैसेज के बारे में कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ और किसका क्या काम होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. क्लियर? अब देखो क्या है. सी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में. एक सेकेंड. हाँ देखो बच्चों, रेस्पिरेटरी पैसेज पहले कल का एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि वो ज़रूरी है. देखो बेटा क्या किया था हमने. सबसे पहले हमको क्या मिल रहे थे, एक्सटर्नल नोस्ट्रल, यही था ना. सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल था, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बारे में पढ़ लो. दिस इज एक्सटर्नल नोस्ट्रल. एक्सटर्नल नोस्ट्रल क्या है बेटा, दीज आर द आउटर स्ट्रक्चर, मतलब नोज के जो बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, नोज के जो बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल बोल रहे हैं. मतलब होल लाइक स्ट्रक्चर है आउटसाइड, जो बाहर प्रेजेंट है, विजिबल है, जो बाहर से ही विजिबल है. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल नोस्ट्रल. अब नोस्ट्रल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नेजाल चैम्बर जो हम लोगों ने पढ़ा था. हाँ क्या पढ़ा था, एन आई एन ओ, तो उसको लिख लो. पहला नेजाल चैम्बर, पहले सब कुछ लिख लो. उसके बाद आई फॉर इंटरनल नेल्स, और उसके बाद नेजोफेरिंग्स. ठीक है, देखो अब. हाँ नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नेस, फिर नेजोफेरिंग्स. एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने कि आउटसाइड जो होल्स प्रेजेंट हैं, जो पेयर्ड होल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर एक्सटर्नल नोस्ट्रल. अब एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बाद बेटा नेजल चैम्बर आता है. नेजल चैम्बर क्या है, नेजल कैविटी को ही नेजल चैम्बर बोलते हैं. जैसे ही नोस्ट्रल के अंदर जाएंगे तो क्या है, एक चैम्बर मिलेगा, दैट इज नेजल चैम्बर, दैट इज नेजल कैविटी. ये चैम्बर दो पार्ट में डिवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ सेप्टम. सेप्टम क्या होता है, जो दो पार्ट को डिवाइड करे, है ना. तो सेप्टम की हेल्प से ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा. इसके साथ साथ बेटा इसमें तीन चीज़ें होती हैं, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, देख लो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सुन लो. पहला तो एक वेस्टिब्यूल होगा, एक पार्ट होगा ऑल्फैक्ट्री जो स्मेल का काम कर रहा होगा. ठीक है, जिसमें न्यूरो सेंसरी सेल्स होंगे. उसके बाद एक होगा रेस्पिरेटरी जोन. क्या होगा, रेस्पिरेटरी जोन होगा. ठीक है बेटा, ये तीन पार्ट होंगे. वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है जो बच्चों, जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, हाँ क्लियर है. देखो जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है ना बेटा, इसमें हेयर्स होंगे, स्किन होगी और कुछ ग्लैंड होंगे, सेबेसियस ग्लैंड. ठीक है, गोबलेट सेल्स जो क्या सीक्रेट कर रहे होंगे, म्यूकस. म्यूकस किस लिए सीक्रेट कर रहे होंगे, म्यूकस क्यों सीक्रेट कर रहे होंगे, म्यूकस सीक्रेट कर रहे होंगे कि जो भी पार्टिकल्स आएँ, कुछ भी उल्टे सीधे पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, हमारे बैक्टीरियाज वगैरह जो हमारे नोज में एंट्री कर रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट कर सके, वहीं ट्रैप कर सके. तो ये इसका काम ये हो गया. इसके बाद देखो ऑल्फैक्ट्री, ये स्मेल का काम कर रहा है, सेकेंड पोर्शन.
और थर्ड इज रेस्पिरेटरी जोन, जो हेल्प कर रहा है बेटा मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है. क्या कर रहा है? फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन. आया समझ? आ रहा है ना बच्चों? नेजाल चैम्बर में क्या क्या पार्ट है? इनके साथ साथ बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? बोनी रिजेस प्रेजेंट होती है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं. इसी पार्ट में बोनी रिजेस होती हैं, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं. ठीक है, ये क्या कराती हैं? ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं कि अच्छे से एयर अंदर जाए. ये क्या कराती हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया. तीन बोनी रिजेस प्रेजेंट हो रही है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया. कौन के प्रेजेंट होंगी? कौन के क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया को. इतना समझा हमने? पढ़ा एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बारे में कि होल आउटसाइड जो होल दिख रहे हैं दे आर एक्सटर्नल नोस्ट्रल. उसके नेजाल चैम्बर, नेजाल कैविटी के बारे में पढ़ा कि वो सेप्टम से दो पार्ट में डिवाइड करेगा. तीन पोर्शंस होंगे, वेस्टिब्यूल और फैक्ट्री, मतलब स्मेल या न्यूरोसेंसरी सेल्स और रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहा होगा. वेस्टिब्यूल हेयर्स, स्किन, सेवेसिस ग्लैंड, गोबरी सेल्स, मतलब म्यूकस वगैरह सीक्रीट कर रहा होगा. ठीक है, ह्यूमिडिफाई करने के लिए, एयर को जो ह्यूमिडिफाई करने के लिए काम कर रहा होगा. और कुछ कौन के भी प्रेजेंट हुए जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे होंगे. दिस वॉज ऑल अबाउट नेजाल चैम्बर. अब आते हैं हम इंटरनल नेयर्स पे. बेटा नेजाल चैम्बर ओपन होगा कहाँ? इंटरनल नेयर्स पे. ये भी दो ही हैं, पेयर्ड हैं, टू इन नंबर, दैट इज पेयर्ड हैं ये. पेयर्ड के साथ साथ बेटा एक चीज़ और याद रखिए, पेयर्ड हैं मतलब दो हैं, और दो के साथ साथ ये ओपन करते हैं नेजोफेरिंग्स में, जो नेजाल कैविटी के, जो नेजाल चैम्बर के पोस्टीरियर पार्ट होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है क्या? इंटरनल नेयर्स. और इंटरनल नेयर्स ओपन होते हैं नेजोफेरिंग्स में. अब बच्चों नेजोफेरिंग्स क्या होता है? देखो बेटा फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, देखते जाओ. हाँ जी, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं. फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं. पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है. अब इसकी लेबलिंग देख लो. दिस इज नेजोफेरिंग्स, दिस इज ओरोफेरिंग्स, और दिस इज लैरिंगोफेरिंग्स. ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स. क्लियर? अब देखो बच्चों, ये जो नेजोफेरिंग्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेजोफेरिंग्स क्या है? ये एयर का पैसेज कराते हैं. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पूरा दिख रहा है आपको, फेरिंग्स दिख रहा है, इसमें क्या होता है? एयर पैसेज होता है नेजोफेरिंग्स के थ्रू. ठीक है, फेरिंग्स के तीन पोर्शन होते हैं, ये तो मैंने बता दिया. इनका भी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ये याद रखो कि नेजोफेरिंग्स एयर पैसेज कराता है. इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो कौन सा स्ट्रक्चर आता है? ओरोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स किस में खुलता है? ग्लॉटिस में. ग्लॉटिस में लेरिंग्स में खुलेगा. लेरिंग्स किस में खुलेगा बताओ भाई? लेरिंग्स खुलेगा क्यों? जीएल पढ़ा था, जीएल के बाद टी आ रहा था ना, तो टी ट्रैकिए में खुलेगा. ठीक है, अभी इन चार चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं. देखो बच्चों, दिस इज ओरोफेरिंग्स, मतलब ये ओरोफेरिंग्स आ रहा है. ओरोफेरिंग्स के बाद क्या है? एक ग्लॉटिस लाइक स्ट्रक्चर आता है, एक ग्लॉटिस स्ट्रक्चर आता है जो खोलता है. अभी मैंने ये बता दिया कि फेरिंग्स इस फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ कहीं, यहाँ इस जगह पर कुछ ग्लॉटिस प्रेजेंट होगा. क्या प्रेजेंट होगा? ग्लॉटिस. ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा बेटा? एक सेकेंड, ग्लॉटिस प्रेजेंट होगा, और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस. ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस खुलता है लेरिंग्स में. लेरिंग्स खुलता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया फिर लंग्स में. समझ आ रहा है?
ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दिस ओनली. क्या होगा? फेरिंग्स खुला, ठीक है. फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स बेटा याद रखना, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर, फूड एंड वाटर. तीनों चीज़ें के लिए कॉमन पैसेज है. पानी भी जाएगा, खाना भी जाएगा, सारा कुछ यहाँ से जाएगा. लेकिन आज जब ग्लॉटिस की बात करो, फेरिंग्स के जो एंड वाला, मतलब यहाँ से ओरो फेरिंग्स के पार्ट, जब ओरो फेरिंग से, नेजो फेरिंग से क्या आएगा? नेजो फेरिंग से ये जो एयर आ रही है नेजो फेरिंग से, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह काम करेगा कि वो प्रिवेंट करेगा कि यहाँ जो, यहाँ अगर खाना खा रहा है फूड पाइप में, जो खाना जा रहा है वो यहाँ ना आए, ठीक है. यहाँ प्रिवेंट कर रहेगा. तो जब वॉइस बोलते हैं ना, खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए. क्यों? यही रीज़न है बेटा. क्या होता है, ये फ्लैप खुल जाता है. आप बात करोगे तो फ्लैप खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, क्योंकि एयर अंदर बाहर जा रही है. और जब ये खुलेगा, मतलब आप खुलेगा बंद, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, तो क्या है, खाना इस पैसेज में चला जाएगा. इस वजह से इसको बंद रखना चाहिए भाई. एपिग्लॉटिस बंद रहेगा. अब ये बंद रहेगा तो क्या हाँ आएगा? ये आएगा आवाज़, जो वॉइस वॉइस प्रोडक्शन होना है वो यहीं से आएगी, ठीक है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने पार्ट पे आते हैं, दैट इज ट्राकिया, ठीक है. लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है. क्या है लैरिंग्स? साउंड बॉक्स है. इतना समझ में आया? चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने पार्ट पे आते हैं जो हमको पढ़ना है, दैट इज साउंड बॉक्स. ये साउंड बॉक्स बेटा कार्टिलेजिनस होता है. ठीक है, लेरिंग्स. अब इस लेरिंग्स में बेटा कुछ कार्टिलेज होते हैं. पढ़ लो कौन कौन से कार्टिलेज. पहला कार्टिलेज का नाम थायराइड कार्टिलेज होता है. दूसरे कार्टिलेज का नाम होता है क्रिकोइड. तीसरे होता है एराइटिनॉइड. और चौथा होता है कार्टिलेज ऑफ सेंचोरिनी. आया समझ? ये चार कार्टिलेज होते हैं. पहला कार्टिलेज लेरिंग्स में कार्टिलेज होते हैं थायरॉइड, क्रिकॉइड, एराइथ्रिनॉइड और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी. बेटा थायरॉइड पहली बात याद रखो लार्जेस्ट होगा और हाइलिन कार्टिलेज से बना होगा. लार्जेस्ट होगा और हाइलिन कार्टिलेज से बना होगा. क्रिकॉइड जो होता है सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये भी हाइलिन कार्टिलेज से बना है. एराइटिनॉइड जो होते हैं ये पिरामिडल शेप के होते हैं, पिरामिडल शेप होगा और स्मॉल होंगे, और स्मॉल होंगे और पिरामिडल होंगे. ये क्या होंगे? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी. राउंड होगा और स्मॉल होगा. देखो इस फॉर्म में, ठीक है, राउंड स्मॉल सेंटोरिनी वाला और ये वाला याद रहेगा. ये था कार्टिलेज के बारे में, थायरॉइड, क्रिकॉइड, एराइटिनॉइड और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी. और भी कार्टिलेज होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, यही लर्न कर लीजिएगा क्या क्या कहाँ प्रेजेंट होता है. इसके अलावा आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ आने वाला है. ये भी मुश्किल से आता है लेकिन आप एक बार रिमाइंडर के तौर पर याद रख लीजिएगा. अब आते हैं हम अपने एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज ट्राकिया. भाई ट्राकिया, ट्राकिया क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. सी शेप्ड होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो सी शेप्ड होते हैं. देखो इस फॉर्म में होगा. भाई 3D स्ट्रक्चर तो मैं बना ही सकती इस पे. इस टाइप के क्या होते हैं? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्राकिया. ये ट्राकिया कार्टिलेजिनस ये भी होता है, ठीक है. ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या, कोलैप्सिंग से, ट्राकिया के कोलैप्सिंग से बचाते हैं कि कोलैप्स ना हो जाए ट्राकिया, ठीक है. अब यही ट्राकिया ओपन होता है किसमें? ब्रोंकाय में. किसमें खुलेगा? ब्रोंकाय में. ठीक है, ये ब्रोंकाय में खुलेगा. अब ब्रोंकाय क्या है? ब्रोंकस ही है.
जो मैंने कल बताए थे ब्रोंकस, सिंगुलरली हम ब्रोंकस बोलते हैं और प्लूरली हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकस में प्राइमरी ब्रोंकस होगा, सेकेंडरी ब्रोंकस होगा और टर्सरी ब्रोंकस होगा। इसी के थ्रू एयर पैसेज कर रहा है, मतलब एयर पास कर रहा है। टर्सरी ब्रोंकाई से हमने क्या पढ़ा था, क्या मिलेगा हमको, पल्मोनरी ब्रोंक्योल्स। पल्मोनरी ब्रोंक्योल्स से हमको मिलेगा टर्माइनल ब्रोंक्योल्स। बच्चों टर्माइनल ब्रोंक्योल से हमको मिलेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल। याद है या नहीं, कल पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ना बच्चों, क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी थे, पल्मोनरी ब्रोंक्योल्स आए, फिर टर्मिनल ब्रोंक्योल्स आए, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स आ जाएंगे। इन ब्रोंक्योल्स के बाद यहीं से शुरू होता है क्या एक्सचेंज वाली जोन। अभी तो कंडक्शन जोन चल रही थी ना, ये एक्सचेंज वाली जोन शुरू हो गई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स खुलेंगे किस में, एल्वियोलार डक्ट में। एल्वियोलार डक्ट एट्रिया में खुलेगी, एट्रिया खुलेगा एल्वियोलार सिक में, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, और एल्वियोलाई में। मेन क्या है हमारा फोकस है एल्वियोलाई पे, मेन हमारा फोकस एल्वियोलाई पे है। एल्वियोलाई क्या है लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्वियोलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, ठीक है। इसके एक सेकेंड, इसको मैं रफ़ी कर देती हूँ ना, मूव कर दूँ। हाँ देखो एल्वियोलाई के बारे में सुन लो, एल्वियोलाई क्या है, दीज आर स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग की तरह स्ट्रक्चर दिखते हैं, इरेगुलर बॉल्ड शेप, आगे थिन भी लिख लेना ठीक है, पतले से होते हैं, हैव ब्लड वेजल्स, मतलब बहुत अच्छे से ब्लड वेजल्स होगा, और यही ब्लड वेजल्स से कनेक्ट करेगा तो यही क्या करेगा एक्सचेंज करेगा गैसेस को। यही क्या करेगा, यही एल्वियोलाई हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक्सचेंज करेंगे गैसेस को, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस। तो भाई क्या हमारे एयर को कहाँ से वो एयर जा रही है, नोस्ट्रिल से जा रही है, कितने अंदर जा रही है, कितना डीप इनसाइड द लंग्स ये प्रेजेंट होते हैं, बहुत डीपली प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, तो ठीक है इन बैग लाइक स्ट्रक्चर तक जाना है और फिर क्या है उसमें ट्रांसपोर्ट करना है गैस का, एक्सचेंज करना है गैस का। एक्सचेंज करने के बाद फिर वो सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा और जो एल्वियोलाई से ही, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग बेटा। जैसे कि क्या है अंदर तक गई एयर, कहाँ एल्वियोलाई तक, फिर एल्वियोलाई से एक्सचेंज हो रही है ठीक है। CO2 एल्वियोलाई CO2 ले रहे हैं और O2 वहाँ छोड़ रहे हैं, और वो लेके वो छोड़ के मतलब फिर ब्लड वेजल्स में जाएगा वही, और ब्लड वेजल्स में क्या होगा कन्वर्जन होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ O2, हाँ, और एनर्जी प्रोडक्शन होगी, फिर पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई हो जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, याद रहेगा, इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, इसके अलावा है कुछ भी नहीं बचा है बच्चों इसमें। अब हमको पढ़ना है अपना पार्ट, दैट इज लंग्स, अपना क्या, ये भी अपना ही था लेकिन लंग्स हमको पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद लंग्स ही इम्पॉर्टेंट है, फिर लंग्स का मसल्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। चलो देखो,